नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्टार्टअप क्लिनिक रायपुर में स्वागत करता हूं। मैं आदित्य, कोच और मेंटर स्टार्टअप क्लिनिक का, और मेरे साथ आज हैं सीनियर ट्रेनर प्रशांत, जिसको आपने हरदम देखा है हमारे चैनल पे। आज दोस्तों हम लोग छत्तीसगढ़ और उसके सराउंडिंग एरियाज का स्टार्टअप कराने के लिए हम लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है। दोस्तों 2034 तक इस देश से गरीबी हटाने के हमारे मेंटर मिस्टर मोहन चंद्रा के विजन पे हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पीछे हमारे विजन के 5 ऐसे मुद्दे हैं जिस पे हम लोग काम करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, स्किल डेवलपमेंट और हेल्थ केयर। दोस्तों इसमें से 4 जो ऐसे मुद्दे हैं उस पे हम स्टार्टअप क्लिनिक के थ्रू काम करते हैं, और हमारा जो हेल्थ केयर का मुद्दा है वो हम एनजीओ के थ्रू काम करते हैं उस पे। दोस्तों स्टार्टअप क्लिनिक एक कंसल्टिंग फर्म है जो कि बिजनेस कंसल्टिंग, गाइडेंस और ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। दोस्तों हम आपके लिए 40+ बिजनेस को आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर आपको गाइड, ट्रेनिंग और सब सपोर्ट देते हैं। तो दोस्तों आज हम जिस बिजनेस के ऊपर बात करना जा रहे हैं, जो कि छत्तीसगढ़, MP, उड़ीसा, महाराष्ट्र के लोगों के लिए फायदेमंद होगा, यदि जो भी देख रहा है इस वीडियो को उसके लिए ये फायदेमंद होगा। आज हम दोस्तों प्रिंटिंग इंडस्ट्री में प्रोडक्ट बेस्ड प्रिंटिंग, दोस्तों पेपर प्रिंटिंग के ऊपर हम नहीं बात कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट बेस्ड प्रिंटिंग के ऊपर बात करेंगे कि कैसे एक प्रोडक्ट को प्रिंट करके, कस्टमाइज करके हम उसको मार्केट में सेल कर सकते हैं और विभिन्न चैनलों के थ्रू उसे आगे बढ़ा सकते हैं और अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों बिजनेस करना तो सबको जरूरी है, क्योंकि लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इसी के थ्रू हो पाएगा। तो दोस्तों आज हम लोग जो एक प्रोडक्ट करेंगे, आज हम लोग करेंगे एक वुडन फ्रेम्स को, वुडन फ्रेम को हम लोग प्रिंट करेंगे आज, और उसका फुल प्रोसेस और सारा चीज दिखाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं 99 सब्लिमेशन के ऑफिस की तरफ और देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि पूछ चुके हैं हम 99 सब्लिमेशन, देखेंगे आज की कोई वुडन फ्रेम कैसे प्रिंट करते हैं और क्या क्या इसमें चीज़ यूज होगा। दोस्तों जैसे कि बता दूं मैं, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि हम प्रिंट कर सकते हैं, मतलब ऐसी अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कि देखा होगा आपने काफ़ी सारी वीडियो में, आपको दिखाया होगा कि ऐसी अनेक चीज़ें आप प्रिंट कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि निकालू थोड़े बहुत कर प्रिंट निकालू, जैसे कि एनिवर्सरी का देख सकते हो, एनिवर्सरी का इस टाइप से प्रिंटिंग करना हो आपको, उसके बारे में मशीन के बारे में हम आपको गाइड करेंगे। और चलेंगे 99 सब्लिमेशन जो हर नाम, जैसे मैं बता दूँ वीडियो मैं इसको कहाँ से लॉन्च कर रहा हूँ, मैं बता दूँ दोस्तों वीडियो ये मैं जो बना रहा हूँ, ये जो वीडियो बन रही है रायपुर के, हमारा जो ऑफिस है रायपुर का जो ऑफिस है हमारे उस रायपुर से हम लोग इसको बना रहे हैं वीडियो को, और आपको दिखा रहे हैं किस तरह से प्रिंटिंग होता है और क्या क्या चीज़ इसमें यूज़ होती है। दिखा दो दोस्तों, जैसे कि टाइल प्रिंट करना हो, इस टाइल को भी आप प्रिंट कर सकते हैं, मतलब इस टाइल को भी प्रिंट कर सकते हैं, बट लेकिन उसकी प्रोसेस अलग होता है और सब कुछ अलग होता है। जैसे कि मैं दिखा दूँ, ये पजल है, इस टाइप की भी पजल आप प्रिंट कर सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि आप किस टाइप से पजल है, इस टाइप से भी आपको मशीन प्रिंट करना हो तो प्रिंट कर सकते हैं। दोस्तों दिखा दो, ऐसे 2000 प्रोडक्ट हैं जो इसमें आप प्रिंट कर सकते हो। दोस्तों तो चलेंगे और मिलेंगे, हर नाम से मिलेंगे जाके, और उससे जानेंगे कि क्या क्या इसमें प्रिंट होता है और क्या क्या चीज़ों की इसमें ज़रूरत लगती है और क्या क्या इसमें चीज़ यूज़ होगा। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं 99 सब्लिमेशन। जैसे कि पूछ चुके हैं, वैसे तो 99 हम सब्लिमेशन ही, तो जहाँ पे उनका प्रोडक्शन होता है, स्टार्ट होता है, वहाँ पे जहाँ इन्होंने मशीन रखी है, जैसे कि पूछ चुके हैं। नमस्कार, नमस्कार हरनाम जी। नमस्कार, कैसे हो सर? बढ़िया। अच्छा ये बताइए मेरे को, क्या प्रिंट करेंगे आज आप? हम आज MDF फोटो फ्रेम प्रिंट करेंगे। अच्छा, कौन से वाला फोटो फ्रेम करेंगे, जैसे कि दिखाएंगे हमारे व्यूवर्स को, दिखा दीजिए कि किस टाइप से आप फोटो फ्रेम प्रिंट करेंगे। अच्छा, इसमें और ये ओनली ये हट वाला है या झोपड़ी जैसे बोलते हैं जिसको, झोपड़ी टाइप या हाउस वाला, जैसे वो हाउस बोल सकते हैं, हाउस वाला बोल सकते हैं, मतलब ऐसे इसके मेरे को लगता है 3-4 चीज़ें बन सकती हैं इसकी। जैसे कि आपको मार्क्स करना हो, इस टाइप से मार्क्स कर सकते हैं, मार्क डायरेक्शन देनी हो उस टाइप से डायरेक्शन भी दे सकते हैं, और अगर जो आपको हाउस बनाना हो, हाउस में फ़ोटो लगानी हो, हाउस भी बना सकते हैं दोस्तों, और मतलब ऐसी अनेक सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। तो और हरनाम जी मेरे को ये बताइए, इसमें क्या क्या आप चीज़ यूज़ करेंगे और कैसे कैसे हमें प्रिंट करके इसी को दिखाएंगे, हमारे व्यूवर्स को दिखाइए। इसमें फर्स्ट हमारा जो पेपर है जी, क्यूपी पेपर,
अच्छा, ये क्यूटी भी यूज करते हो सबसे पहले, फर्स्ट आप डिजाइनिंग करते हो? हम इसमें फर्स्ट डिजाइनिंग करते हैं। अच्छा दोस्तों, जैसे देख सकते हो आप, ये जो डिजाइनर इनका, इनका एक डिजाइनर सॉफ्टवेयर रहता है और ये सिस्टम में डिजाइनिंग होती है, डिजाइनिंग होती है, जैसे कि डिजाइनिंग किस टाइप से करना है ये आपको सारा गाइडेंस देते हैं रायपुर में। और रायपुर में ये हरनाम जी जो है, दिखा दो, ये हरनाम जी जो है ये ट्रेनर है यहाँ के, आप सीख सकते हो यहाँ के, ठीक है। और आप मेरे को जानते ही हो, मैं तो सीनियर ट्रेनर हूँ। ये आप इसमें डिजाइनिंग करते हो सर? हाँ जी। हाँ, तो देख सकते हो दोस्तों कि इसमें डिजाइनिंग होता है। और इसमें क्या क्या चीज यूज होने वाली है, जैसे कि अगर जो इसको प्रिंट करना हो, एक छोटा सेटअप लगाना हो किसी भी कस्टमर को, मतलब कोई भी व्यूअर्स हो, कोई भी, मतलब कोई भी किसी को बिजनेस स्टार्ट करना का सिस्टम होना चाहिए। अच्छा, फर्स्ट दोस्तों ध्यान रखो, एक सिस्टम जरूरी है, बहुत जरूरी सिस्टम है इसका। आपका सिस्टम आपको एप्सन प्रिंटर L805 दोस्तों, देख सकते हो L805 है ये प्रिंटर है, देख सकते हो 6 कलर का प्रिंटर है। दिखा दो दोस्तों, इसमें जो इंक यूज होती है, इंक इसमें कौन सी यूज होती है सर? वाटरप्रूफिंग के लिए यूज होती है इसमें दोस्तों, जैसे कि देख सकते हो आप, इसमें वाटरप्रूफ इंक यूज होती है। मतलब इसमें खासियत क्या है, इसमें खासियत बताइए हमें कि क्या 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 हो सकता है इसमें, क्या क्या कर सकते हो आप इसमें। जैसे कि आपने वाटरप्रूफ इसमें इंक डाल दी, तो वाटरप्रूफ इंक डालने के बाद अगर जो मैं कोई अलग, जैसे कि फोटो जीरोस्कोपी का प्रिंट निकालने लगूं, तो हो जाएगा इसमें क्या? अच्छा दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं कि ये हरनाम जी जो है मना कर रहे हैं कि इसमें नहीं हो पाएगा, जो इसमें फोटो, यानी कि ये जो इंक होती है वाटरप्रूफ इंक होती है, जो यूज जो होती है सिर्फ जैसे कि वुडन्स पे यूज करना हो, वुडन्स के अलावा तुम्हारे टाइल्स पे यूज करना हो, टाइल के अलावा, मतलब ऐसे कम से कम जैसे ग्लास पे यूज करना हो, मतलब हर ऐसे वर्ड पे यूज हो जाएगी जैसे कि आप यूज करना चाहते हो। जैसे कि जीरोस्कोपी आप इसमें नहीं निकाल सकते, जैसे कि आपने देखा होगा हर बार। तो और क्या क्या यूज कर सकते हैं इसमें? जो पेपर है, जो पेपर, जो मैं पूछना चाह रहा था आपसे, ये जो पेपर है नॉर्मल पेपर है क्या? नहीं सर, ये क्यूटीपी पेपर है हमारा। अच्छा, दिखाएंगे दोस्तों के इस टाइप से भी डिजाइनिंग होगा, जैसे कि देखा है हमने तो हाउस का एक डिजाइन बनाया कि फैमिली उसमें लगाई कि इस टाइप से हाउस में फैमिली रहती है, इस टाइप से बनाया। और ये जो पेपर है दोस्तों देख सकते हो, ये पेपर है क्यूटीपी पेपर, इसको बोला जाता है क्यूटीपी पेपर। मैं बोल दूं दोस्तों, बता दूं, क्यूटीपी पेपर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये 99% ट्रांसफर करता है, नॉट सब्लिमेशन पेपर, ये 99% ट्रांसफर करेगा। आप इधर सिंगल साइड से भी, डबल साइड से भी आप इसमें निकाल सकते हैं प्रिंट। तो और क्या इसमें यूज होगा, इसमें यूज होने वाली चीजें और क्या यूज कर सकते हैं इसमें हरनाम जी? और इसमें चलेंगे मशीन्स के में यूज करेंगे, जैसे कि दोस्तों देख सकते हो आप, ये जो है ये जो प्रिंटर है, बस इससे प्रिंट निकाल सकते हो, देन प्रिंट कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया था अभी आपको कि इसमें ऐसी अनेक अनेक चीजों के प्रिंट निकाल सकते हो जो आपको प्रिंट होंगी। जैसे कि मैं वीडियो बना के दूंगा आपको दोस्तों, हर वीडियो में आपके लिए लेके आता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो आप मुझे दिखाएंगे कौन सी मशीन में यूज आप प्रिंट करेंगे इसको? आइए चलते हैं दोस्तों कि जो मशीन्स है हमारी, ये जो मशीन्स है, ये इस मशीन में प्रिंट करेंगे, दिखाएंगे हमें। ये देख सकते हो दोस्तों, ये जो मशीन है इसमें प्रिंट होगा। ये देख सकते हो कि ये, जैसे कि देखा होगा काफी सारी इसकी वीडियो देखी होंगी दोस्तों, ये जो मशीन है ये हैवी ड्यूटी हीट प्रेस मशीन है दोस्तों। इसकी खासियत मैं आपको बता दूं, ये कितने बाय कितने का साइज है, आप मेरे को साइज बताइए सबसे पहले। 15x15। अच्छा दोस्तों, जैसे कि देख सकते हो आप इस चीज का जो साइज है, 15x15 का साइज है। और इसकी खासियत क्या क्या है हरनाम जी, हमको बताइए थोड़ा सा। अच्छा मतलब इसकी खासियत क्या क्या है दोस्तों, मैं बता दूं आपको, थोड़ा सा शर्मा रहे हैं बताने के लिए, तो मैं आपको बता देता हूँ इसकी खासियत क्या क्या है। ये जो हैवी ड्यूटी मशीन है, ये 2000 प्रोडक्ट प्रिंट कर सकती है। और हैवी इसके अटैचमेंट होते हैं, जैसे कि अटैचमेंट की बात कर ले, जो नॉर्मल, जैसे कि नॉर्मल में आपने देखा होगा कि डिफरेंट चीज इसमें नहीं होती है, डिफरेंट उसमें होता है, मतलब हैवी ये जो स्पेशल होती है टी शर्ट प्रिंटिंग के लिए यूज की जाती है। जैसे 2000 प्रोडक्ट आप इसमें कर सकते हो, अदरवाइज और भी कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि हैवी ड्यूटी जो है ऑटोमेटिक मशीन है, इसमें प्रेशर भी एकदम खुद ही ऑटोमेटिक ले लेता है, प्रेशर भी बस हल्का सा एडजस्ट करना पड़ता है आपको, ठीक है दोस्तों। इसमें बता दूं कि सेल्सियस की मशीन है, सेल्सियस में यूज होता है। जैसे कि अनेक, जैसे कि तुमने देखा होगा काफी सारी हमारी वीडियो में देखा होगा आपने कि हमने हैवी ड्यूटी में आपको कैसे प्रिंट करके दिखाया, कैसे कैसे टी शर्ट या कोई भी आइटम आपको प्रिंट करके हमने दिखाया था कि इसमें हैवी ड्यूटी में और ऐसे अनेक आइटम हो जाते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। तो हमें इसमें यूज होने वाली और क्या क्या चीजें यूज होती है, जैसे कि ये चीज क्या है? ये टेफ्लॉन सीट है दोस्तों, जैसे कि देख सकते हो आप, ये टेफ्लॉन सीट है। और ये टेफ्लॉन सीट क्यों यूज की जाती है? ये फिनिशिंग के लिए यूज की जाती है। अच्छा दोस्तों, जैसे कि देख सकते हो आप, ये जो यूज कर रहे हैं हरनाम जी, ये जो है फिनिशिंग के लिए यूज किया जाएगा इसको।
और इससे फिनिशिंग के लिए और जैसे गंदा ना हो उस टाइप से है जी? हाँ जी। अच्छा, और ये जो टेप रखी हुई है नॉर्मल टेप है क्या? नहीं सर, ये नॉर्मल टेप नहीं है। आप देख सकते हो दोस्तों देख सकते हो ये जो है हीट रेजिस्टेंट टेप है, इसको हीट रेजिस्टेंट बोला जाता है, जो 200 सेल्सियस में जलता नहीं है। दिखाऊंगा इसका सैंपल भी आपको, लाइव वीडियो चल रहा है, देख सकते हो आप ये किस टाइप से आपको यूज होगा। तो करके दिखाइए हमें हरनाम जी, ये कैसे होगा, कैसे हमारे दोस्तों को बताइए क्या क्या करना पड़ता है इसके लिए। इसमें फर्स्ट इसकी लेयर उतारनी पड़ेगी हमें। अच्छा, इस पर लेयर होती है ये? दोस्तों ध्यान रखो, इसमें एक लेयर होती है, जैसे कि देख रहे हो ये लेयर निकल रहा है। अगर जो आप लेयर नहीं निकालोगे तो आपका प्रिंट बेकार हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इस चीज का इम्पोर्टेंटली ध्यान रख सकते हो दोस्तों आप इसको, कि आप देखो ये एडजस्ट करा जा रहा है। एडजस्ट करने के बाद देन उसके बाद टेप लगाई जाएगी। हाँ जी, टेप जी लगा हुआ है ना इसमें? हाँ जी। अच्छा देखो दोस्तों, लगा रहे हैं टेप, देख सकते हो आप, एकदम सिंपल प्रोसीजर है दोस्तों। मैं बता दूं इसका कोई ऐसा वो नहीं है आपको कि इसमें बहुत सारे इशू आ जाएंगे, ये हो जाएंगे, कुछ ही नहीं है, सिंपल प्रोसीजर है। ये मशीन बता दो, ओनली हीटिंग है, हीटिंग जो इसमें जो सबसे ज़्यादा यूज होता है इसमें, इंक और पेपर। पेपर और इंक आपका क्वालिटी का है तो बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी आएगी दोस्तों। मैं सबसे पहले बता दूँ आपको, इसमें बता दूँ मशीन तो है, सिर्फ है ओनली सिर्फ हीटर मशीन है, ओनली हीटर मशीन है ओनली, ठीक है। इसको मशीन है, हीटर बोला जाता है, मतलब ओनली हीटर है ये। जो इसमें जो क्वालिटी सबसे फर्स्ट जो क्वालिटी आती है वो आती है इंक और पेपर की। इंक पेपर अच्छा है तो बेस्ट क्वालिटी आप निकाल सकते हो दोस्तों। जैसे कि हमारा, हम तो यूज़ करते हैं अपना 99 सब्लिमेशन का, यानी कि अलग अलग लेके आते हैं, आपको अलग अलग दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ इसमें यूज़ होती है, कुछ ना कुछ यूनिक आपको लेके आते हैं आपके लिए। तो दिखाइए हरनाम जी हमको कि कैसे होगा ये दोस्तों। जैसे कि देख सकते हो आप, रहे इन्होंने प्रेस किया और ऐसे ही सीधा रख दिया बस, मतलब एकदम सिंपल प्रोसीजर है। कोई भी अगर जो चाहे तो एक बार में आप सीख सकते हो और ऐसे कर सकते हो। तो अभी तो इसके 60 सेकंड लगेंगे, 200 टेम्परेचर 60 सेकंड में होता है ना सर ये? दोस्तों जैसे कि देख सकते हो आप कि इसका 200 टेम्परेचर रहता है और 60 सेकंड में ये आपका प्रिंट हो जाता है। तो 60 सेकंड हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, एक मिनट बात कर लेते हैं अलग अलग चीज़ों के बारे में। जैसे कि अब चलते हैं थोड़ा बाहर, जैसे कि देख सकते हो हमारा ये रायपुर का ऑफिस अभी बन रहा है। यहाँ पे देख सकते हो टी शर्ट्स की कितनी वैरायटीज लगी हुई हैं और अलग अलग वैरायटीज के टी शर्ट हैं। जैसे कि मैं बता दूँ थोड़ा सा आपको, गाइड कर दूँ दोस्तों, ये जो प्रिंटिंग होती है DTC प्रिंटिंग बोलते हैं इसको, यानी कि डायरेक्ट टू गारमेंट, इसको डायरेक्ट टू गारमेंट प्रिंटिंग बोला जाता है। ये भी DTC है दोस्तों। ये जो है दोस्तों गोस्ट प्रिंटिंग है, यानी कि बाहर जो पेपर पे आपको पहले प्रिंट होता है, बटर पेपर होता है, मतलब अलग 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 टाइप के पेपर्स होते हैं और अलग अलग मशीन्स होते हैं, अलग अलग केमिकल्स होते हैं उस टाइप के होते हैं दोस्तों। मैं बता दूँ ये जो प्रिंटिंग है दोस्तों, जैसे कि देख सकते हो आप, ये है सप्लीमेशन प्रिंटिंग, यानी कि मल्टी कलर, यानी कि लाइट कलर का आपका अगर प्रिंटिंग करना चाहते हो तो ये आपका पॉसिबल है कि आप ये लाइट कलर आप प्रिंट कर सकते हो। जैसे कि दिखा दूँ दोस्तों, ये जो है स्क्रीन प्रिंट, जैसे कि मैं छूटे देख दिखा रहा हूँ आपको, मतलब दूसरे को पता नहीं चलेगा, दूसरे को अच्छा लगेगा बट लेकिन आप पास में जाओगे तो आपको पता लगेगा ये कौन सी प्रिंटिंग है। जैसे कि मैं बता दूँ इसके बारे में, ये जो है स्क्रीन प्रिंटिंग है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारा जो प्रोडक्ट है हो चुका है, जैसे कि मशीन भी देख रहे हो वीक कर रही है। तो चलते हैं फिर, उसके बाद आके थोड़ा सा फिर बात करेंगे, देख लेते हैं कि कैसे ये प्रिंट हुआ है। हरनाम जी हो गया है क्या शायद? हाँ जी हो गया। अच्छा दोस्तों, जैसे कि देख सकते हो ये इन्होंने फिल कर दिया है, ओपन कर दिया है। ओपन करने के बाद इसको ठंडा थोड़ा सा करना पड़ेगा, इस पर थोड़ा प्रेशर रखा जाएगा है हरनाम जी। इस पर दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं इन्होंने डाई यूज़ की, ऐसे ही इसको थोड़ा सा प्रेशर करना पड़ेगा आपको। प्रेशर इसलिए करते हैं क्योंकि वुड होता है, वुड अगर जो हीटिंग दोगे आप तो ऑटोमेटिकली मतलब उठने लगता है। कोई भी वुडन हो, कोई भी किसी भी चीज़ का वुडन उठेगा, हीटिंग लगेगा तो डेफिनेटली उठेगा ही उठेगा दोस्तों। अभी कुछ ही सेकंड में ये हो जाएगा, फिर हम दिखाएंगे आपको कैसे आप सेट कर सकते हो और कैसे इसको सेल कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों देख सकते हो कि कुछ ही सेकंड में हो चुका था ये, और दिखाएंगे कि हरनाम जी कैसा इसका प्रिंट आया और कैसे आपको हुआ है। मैं दिखा दूँ दोस्तों, जैसे कि देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल प्रिंट है, इस टाइप से भी आप प्रिंट कर सकते हो। इसका पेपर दिखाइए, पेपर हमको पेपर दिखाइए सर इसका, इसका पेपर व्यूवर्स देखना चाहते हैं कि ये जो प्रिंटिंग क्या क्वालिटी है। ये दोस्तों देख सकते हो आप, ये 99% ट्रांसफ़र हुआ है, जितना एरिया देख सकते हो कि हार्ड जितना बना हुआ है झोपड़ी उतना आपका प्रिंट हुआ है, 99% ट्रांसफ़र करता है पेपर। देख सकते हो दोस्तों कि क्या बेस्ट क्वालिटी इसका आया है। तो इसमें और क्या चीज़ें यूज़ करेंगे हरनाम जी, इसमें बताइए हमें।
पेस्ट करेंगे। अच्छा दोस्तों, जैसे कि देख सकते हो इसको इन्होंने फेवी बॉन्ड से, फेवी बॉन्ड होता है एक क्यूक होता है, फेवी बॉन्ड जो इसके लिए यूज होता है, फेवी बॉन्ड से पेस्ट करेंगे या पेस्ट कर रहे हैं। देख सकते हैं दोस्तों, दोस्तों जैसे कि देख सकते हो कि ये इन्होंने पेस्ट कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा समय लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा फेवी बॉन्ड तो ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, कुछ ही सेकंड में हो जाएगा। थोड़ा सा प्रेस करना है, क्योंकि प्रेस करेंगे तो जब ही ढंग से पेस्ट होगा दोस्तों, बता दूँ मैं, बस होने ही वाला है। दिखा देते हैं दोस्तों कि आपको कैसे ये हो रहा है और कैसे कैसे होगा ये। दोस्तों जैसे कि देख सकते हो कि कितना ब्यूटीफुल आइटम आपको बन गया है। ये हार्ट, ये है घर टाइप है, हार्ट भी बोल सकते हैं, हार्ट तो हार्ट को ही बोला जाता है, मतलब इसे भी आप बोल सकते हैं। दोस्तों जैसे कि देख सकते हो कि कितना अच्छा है, कितना बेस्ट है। इसको बता दूं आप ऑनलाइन भी सेल कर सकते हो दोस्तों। थोड़ी मार्केटिंग की बता देता हूं आपको, कहां कहां सेल कर सकते हो इसको। कस्टमाइज भी आप सेल कर सकते हो दोस्तों। अगर जो कस्टमाइज आपको सेल करना हो तो आपको शॉप पे जाना पड़ेगा, इसका ऑर्डर लेना पड़ेगा। गिफ्ट शॉप होते हैं जैसे कि कहीं भी आपके एरिया में, गिफ्ट शॉप पे जाके आप मार्केटिंग इसकी कर सकते हो, ठीक है। और फोटो स्टूडियो जो है उन पे भी आप जाके आप ऑर्डर ला सकते हो। अगर जो आप ऑनलाइन स्टार्ट करना चाहते हो, अपनी खुद की वेबसाइट बनाना चाहते हो दोस्तों, वो भी आप कर सकते हो स्टार्टअप क्लिनिक में आके। जैसे कि मैंने दिखाया था आपको स्टार्टअप क्लिनिक के बारे में, बताया था कि इसमें अनेक ऐसी चीज़ें हैं जो आप बिजनेस कर सकते हो। जैसे कि बता दूँ फूड्स का बिजनेस हो गया, इलेक्ट्रिशियन मतलब जैसे कि सोलर का काम करना, आपको सोलर का काम कर सकते हो, LEDs का काम कर सकते हो, प्रिंटर्स का काम कर सकते हो, वेबसाइट का काम कर सकते हो। जैसे कि ये प्रोडक्ट आपको सेल करना है तो कैसे करोगे, या तो कस्टमाइज आप जाके आप ऑर्डर ला सकते हो अपने एरिया में जाके, जो भी आपके कस्टमाइज हैं वहाँ से जाके आप ऑर्डर ला सकते हो, गिफ्ट से आप ले सकते हो। अगर जो फेसबुक से आपको फेसबुक मार्केटिंग करनी हो, फेसबुक मार्केटिंग के लिए भी आपको बता दूंगा मैं दोस्तों। और इसको वेबसाइट बना के भी आप सेल कर सकते हो दोस्तों। जैसे कि अभी जैसे कि मैं बात कर रहा था कि जो प्रिंटिंग के बारे में दोस्तों, तो थोड़ा सा और जान लेते हैं प्रिंटिंग के बारे में, चलते हैं वहीं पे और देखते हैं प्रिंटिंग। जैसे कि मैंने दिखाया था दोस्तों ये जो प्रिंटिंग है, ये प्रिंटिंग जो है विनाइल प्रिंटिंग है दोस्तों। जाके जैसे कि देखोगे आप आके ये विनाइल प्रिंटिंग, मतलब तो ऐसी अनेक प्रिंटिंग होती है, कम से कम 2000 पे है, जो 2000 है वो प्रिंटिंग होती है दोस्तों। मैं बता दूँ इसी के लिए मैं चलते हैं आदित्य सर के पास, उनसे जानेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो प्रिंटिंग है कैसी कैसी प्रिंटिंग है, क्या क्या प्रिंटिंग है, और अगली वीडियो में आपको मैं फिर बताऊंगा दोस्तों। चलते हैं आदित्य सर के पास और उनसे जानेंगे कैसा लगा और कैसे कैसे मार्केटिंग करनी है और क्या क्या यूज इसमें और क्या कर सकते हैं। चलते हैं आदित्य सर के पास और उनसे जानेंगे दोस्तों। दोस्तों जैसे कि देख सकते हो कि मैं आदित्य सर के पास पहुँच चुका हूँ, स्टार्टअप क्लिनिक में आ चुका हूँ द्वारा, और ये बताएंगे हमें कि प्रोडक्ट के बारे में और सेल करना क्या कैसे कर सकते हैं आप। सर बताइए, हमें व्यूअर्स को गाइड करिए सर। दोस्तों आपने एक प्रोडक्ट की प्रिंटिंग और फुल प्रोसेस देखा, उसमें क्या क्या आइटम्स लगती है, क्या क्या उसका प्रोसेस है और उसको कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों इसी तरह क्या है कि आप 2000 प्रोडक्ट्स को प्रिंट करके आप अपने सेल कर सकते हैं जी। दोस्तों ये बिजनेस को अगर स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो 0 से लेके 50 लाख तक, जैसी आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि इस बिजनेस में फेलियर रेट इज 0%, क्योंकि इस बिजनेस की एवरेज मार्जिन 300 से लेके 1000% तक भी है। कुछ कुछ प्रोडक्ट्स में बहुत अच्छी मार्जिन मिलती है दोस्तों, और एवरेज अगर आप देखोगे तो 300% की मार्जिन निकल जाती है। तो दोस्तों आपने देखा ये फुल प्रोसेस, और सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें यह है कि आप सेम प्रोडक्ट को बार बार प्रिंट करके, हजारों आइटम्स को आप प्रिंट करके अलग अलग तरीके से आप इसको सेल कर सकते हो। जैसे क्या है कि एक फ्रेम है पकड़ लीजिए आप, तो उसको आप एनिवर्सरी, बर्थडे, अलग अलग इवेंट जो लाइफ की आती है उसके ऊपर बेस करके आप प्रोडक्ट को कस्टमर को दे सकते हो। क्योंकि आप कस्टमाइज कर रहे हो प्रोडक्ट, कस्टमर के हिसाब से आप उसको प्रोडक्ट को कस्टमाइज कर सकते हो। तो आपने एक फुल प्रोसेस देखा। अब क्या है दोस्तों कि आप इसको रिटेल और जैसे ऑफलाइन चैनल्स और ऑनलाइन चैनल्स दोनों के थ्रू आप इसको प्रमोट करके बेच सकते हो। आजकल दोस्तों की टेक्नोलॉजी आपके पॉकेट में आ गई है, सोशल मीडिया अपने पॉकेट में आ गया है, ये एक बहुत बड़ा मीडियम है। और सोशल मीडिया का यूज करके जैसे फेसबुक के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, टिकटॉक के थ्रू, इसके थ्रू आप सेल कर सकते हैं। और अपना ऑफलाइन मीडियम तो है ही है, जैसे आप गिफ्ट शॉप्स को, रिटेल शॉप्स को आप कॉन्टैक्ट करके उस पर आप अपना उसको प्रोफाइल दे सकते हैं कि हम ये काम करते हैं, ये आइटम हम बनाते हैं, तो उसको भी आप उनकी उनको भी जरूरत को पूरा कर सकते हैं। और एक कॉन्सेप्ट है कि कॉर्पोरेट गिफ्टिंग का बहुत बड़ा बिजनेस है हमारे पास,
जैसे आपके एरिया में स्कूल कॉलेजेस अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं। जैसे दोस्तों अभी दिवाली आ रही है, आप तो देख ही रहो दिवाली में सब गिफ्ट आइटम का गिफ्टिंग का ट्रेंड बहुत अच्छा है। कॉर्पोरेट ऑर्डर्स आती है, बल्क में आती है, एक बार में। जैसे आपको एक कस्टमर ने आपको 100-200 पीस का ऑर्डर दे देते हैं, आपको बस नाम छापना है उनका और उनको प्रोवाइड करना है। तो बिजनेस बहुत बड़ा है दोस्तों, प्रिंटिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। इसमें हम लोग का एक पार्ट है जो कि प्रोडक्ट बेस्ड प्रिंटिंग है, और इसको क्या है कि स्टार्ट करना भी बहुत कम लागत में भी दोस्त शुरू कर सकते हैं, और प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छी है। आप 1 लाख लगाकर भी 50 से 1 लाख के बीच में महीने का अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। और आप ही बताइए कोई ऐसा बिजनेस जिसमें कि आपको तुरंत इतना बड़ा